गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको इलास्टिसिटी चैप्टर बता रहे हैं हुक्स लॉ, हुक के नियम। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब हम देखें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार बच्चों स्ट्रेस इज डायरेक्ट टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस प्रतिबल, इस चिन्ह को साइन को हटाने के हम कॉन्स्टेंट लेंगे, यंग कॉन्स्टेंट करते हैं स्ट्रेस। यानी प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, इसे नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए स्ट्रेन इक्वल टू, इसको कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन प्रतिबल यंग मॉडुलस। अब ऊपर हम चलते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन प्रतिबल प्रति विकृति, हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेस फॉर्मूला लिखें, स्ट्रेस एफ बाय ए L by L, इसको लिखेंगे F A capital A, this is formula of यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी। पूछेगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का SI यूनिट क्या है, SI यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको वो क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखेंगे बच्चों, एम एल ऐसे बनाइए, टी माइनस वन रहेगा, टी के पावर माइनस टू, नोट कर लें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। थैंक यू।